दर्शो एक सब तो होर मेन मुद्दा है दस्तार। पिंडां विच कोई समा हुंदा सी ते दस्तारां ही दस्तारां दिसदियां सी, जे अज ऐसा वेला आ गया दस्तारां घटदियां जा रहियां ने, इहदा कारण की है? आओ आपां इक वार फिर गल्लबात करदे हां नाल। तुहाडा शुभ नाम की है जी? मक्खन सिंह जी। मक्खन सिंह जी। मक्खन सिंह जी, दस्तार हाँ जी किन्ना वड्डा शब्द है सिख धर्म लई, हाँ जी पर अजकल नौजवानां दे दस्तार गायब किधरों हो रही है, हाँ जी, कित्थे जा रही है दस्तार, की कहना चाहोगे इहदे बारे? ये बहुत सारे कारण ने जी। ये जिदा एक मौजूदा दौर आधुनिकता का, पछमी सभ्यता का, जा साडे फिल्म कल्चर का, मतलब कि बॉलीवुड वगैरह का, ये भी चीज़ा, तो एक साड़ी श्रोमणी कमेटी का। तो सब तो बड़ी गल तो असल जो मैं कहूँगा वो ये है भी जिहड़ा साडा पंजाब आ, इहनू इंडियन स्टेट डील कर रही है, वो हर एंगल तो पंजाब नू मतलब कि मैनेज कर रही है। तो जे ब्रॉडली सोचा जाए सब तो वड्डा नुकता यह जाके जिहड़ा कि मैं देखदा, जिन्ना कि मैं सोशल मीडिया ते जा होर नोट करदा, उहदे विच वड्डे वड्डे थिंकर ने, जा मतलब कि कोई एनालिस्ट ने ते जा पत्रकार ने, उन्हां दी पाकट दे विच मैं कदे आउंदा नहीं देखिया। तो बाकी मुद्दों के वांग जिहड़ा नौजवानों के सिर के उपरों दस्तार गायब हो रही है, ये भी एक पंजाब नू इंडियन स्टेट मैनेज कर रही है। तो उहदी इच्छा ही ये आ भी पंजाब का जिहड़ा माहौल आ, लोगों की शक्लो सूरत है जिहड़ी, वो किस तरीके तरीके नाल चेंज की जाए, सब तो वड्डा कारण ये है। दूजा कारण हैगा साडी सिख लीडरशिप का, श्रोमणी कमेटी का, उन्होंने भी इंडियन स्टेट ने हाईजैक किया होया। तो अगली गल ये भी है भी साडे लोगों के विच उन्ना, भावे लोगों के दिलों के नौजवानों के दिलों के दस्तार का सत्कार भी है, टाइम टू टाइम वो बनते भी ने, पर फिर भी वो मतलब कि जिहड़ियां फीलिंग्स ने इन्नियां गूढ़ियां ते मजबूत ना होण करके ते वो दस्तार तों दूर रह जांदे ने। बिल्कुल जी। एक गल होर, बॉलीवुड फिल्मों में सरदारों को एक मजाकिया पात्र के दिखाया जाता है, की कारण है? अपनी जी कौम है वह तो बहादुर की कौम है, शूरवीरां की कौम है, पर आप एक मजाक का पात्र क्यों दिखा रखा बॉलीवुड ने? ये भी इंडियन स्टेट दे मतलब कि जिहड़ी उन्हां दी स्ट्रैटजी आ, उहदा एक पार्ट आ। ते ओह पंजाब नू जां तां एलीमीनेट करना चाहुंदे ने जां असिमीलेट करना चाहुंदे ने, मतलब कि यही कारण आ कि उन्हां दे वख-वख तौर तरीक़ां दे विचों फिल्म दा भी एक उन्हां दा हथकंडा जां उन्हां दे एक हथियार है, जिहदे राहीं उह पंजाब नू मजाकिया जां खाओ पीओ ऐश करो वाले कल्चर वल लैके जा रहे ने। भाव ये भी गल जा के इंडियन स्टेट दी इच्छा शक्ति आ फिल्मां अजिहियां बनाउणियां अक्षय कुमार वर्गियां द्वारा, तां जो मतलब कि सरदार चेहरे नूं, सरदार लुक नूं मजाक दा पात्र बनाया जावे, तां जो जिहड़ी साडी सिख नौजवानी अपने ते माण ना करे तो इह तों दूर हो जावे। हाँ जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत। दस्तार क्यों नहीं बनते? दस्तार भी असीं टाइम टू टाइम बनते हाँ, पर कारण की है? कारण की है भी इदां साडे जिहड़े रोल मॉडल अजकल गलत हो रहे हैं, आपां बॉलीवुड स्टार नूं अपने रोल मॉडल मानदे हाँ, आप सिख इतिहास भुलते जाने दिन पर दिन, यही कारण ज्यादातर आप गना बनने के। पर मैं यही कहना सबू अपील कर रहा, पग बनने चाहिए, अपने रोल मॉडल जो उन्होंने सिख होने चाहिए, अपने गुरु गोबिंद सिंह जी हो गए, गुरु नानक देव जी हो गए, उन्होंने मनना चाहिए। कि अब मैं उम्मीद कर सकते हैं आप भी आने वाले टाइम तुम सरदार सजोगे? हाँ भीरे, जो वाहेगुरु ने साथ दिता तो जरूर सरदार बना, वाहेगुरु जरूर साथ दूगा। तो विचार है? ये विचार यही है, देखो जी अजकल हम पता मोबाइलों का आधुनिक दौर आ रहेगा, लोग जिहड़े हिसाब नाल जिवें इंस्टाग्राम फेसबुक चल रहे उन्हूं फॉलो कर रहे नेगे, पर इहदा ते वड्डी सब तो वड्डी इहदी मेन साडियां सिख जथेबंदियां नेगियां, कोई सिख तकड़ा प्रचारक आ जिहड़ा दस्तार बारे कोई प्रचार नहीं कर रहा, कोई श्रोमणी कमेटी दीआं कमियां ने, इह कोई तकड़े प्रचारक ला रहे भी सिखां नूं जिहड़ा कोई चंगी सेध दे सकण, भी दस्तारां वल प्रोत्साहित कर सकण। इह बाकी इह सब जी आपदा खाओ पीओ दा होया पिया गा, कमेटियां नूं सब कोई मतलब कोई प्रचारक नहीं, असल सिख वधिया रहे हैगे जिहड़े नौजवानां नूं ਸੇਨ ਦੇ ਸਕਣ ਜਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੱਗਾ ਬੰਨੀਏ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਨਮੋਲ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਨਮੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਜਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।